चले गाइस, मुस्तैन जा रहे हैं हलवा पूरी लेने, तो मैं आ गई हूँ बाहर। और यहाँ जो है ना, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये देखें जी, सुबह सुबह ये जो है ना बॉलिंग हो गई। ओ भाई ने छक्के मार दिए भाई, भाई ने वो हो। चले जी, मुझे लगता है ये पाकिस्तान की बैटिंग है, छक्के और चौके पड़ रहे हैं। दूसरी बैटिंग, चलें जी, ये दूसरी बैटिंग हो रही है। ये अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। छुट्टी का दिन है, आपको पता है, थोड़ा सा लेट उठते हैं, लेकिन जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्हें पता है कि मैं बहुत देर में नहीं उठती हूँ। मैं 12 बजे तक उठ जाती हूँ छुट्टी वाले दिन, वरना मैं सुबह ही उठती हूँ, फिर दोबारा सो जाती हूँ। और बच्चे तो सुबह ही उठ जाते हैं मेरे, क्योंकि उनको आदत है बहुत अच्छी सी माशाल्लाह से, कि वो छुट्टी हो या ना हो वो सुबह ही उठते हैं माशाल्लाह से। तो चले जी, ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सारे काम है, छुट्टी का दिन भी है, और आज मशीन भी लगानी है। और आपको पता है कि मैं जो ऊना मशीन कब लगाती हूँ, जब बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, चादर वगैरह, बेड शीट्स वगैरह होती हैं, तो मैं मशीन तब लगाती हूँ, वरना मैं हाथ से वॉश करती हूँ अपने कपड़े और बच्चे वगैरह के कपड़े। तो चले जी, वो भी लगाते हैं और दाल चावल भी चढ़ा। और आज जो है ना, आज घर में चैलेंज भी है, उसकी तैयारी भी करनी है, बहुत ज़बरदस्त चैलेंज है। और अहमद बाबा बहुत वेट कर रहे थे कि मम्मा जो है चैलेंज कब कराएंगी, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि अहमद बाबा की तबीयत जो है ना ठीक हो जाए, ताकि वो अच्छे से चैलेंज को पूरा करें। तो देखते हैं आज चैलेंज में कौन जीतता है और कौन हारता है। कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि कौन जीता कौन हारा। और बहुत बच्चे सो के उठते हैं तो बेड भी जो है ना तरम भरम कर देते हैं, और ये वाला जो बेड है इस पे मोहम्मद अली मेरे सास होते हैं, तो जब वो उठते हैं ना वो गोल गोल घूमते हैं। तो चलें जी, सेट करते हैं। चलें जी, कमरे को सेट करते हैं। और ये देखें जी, मोहम्मद अली जब उठ जाते हैं ना, तो उस उठने के बाद जो है ना वो क्या करते हैं, वो पूरे बेड पर जो है ना गोल 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 जैसे बच्चे सब करते हैं तो घूमते हैं, तो ये हाल मेरी चादर का हो जाता है। तो चलें जी, सेट करते। चलिए गाइस, ये देखें, रूम रेडी हो चुका है, चादर शादर साफ़ हो चुकी है, साफ़ नहीं सही हो चुकी है, और झाड़ू शाड़ू दे दिए मैंने। तो चलें जी, अब खाना बनाते हैं। आज खाने में मैं दाल बनाऊंगी और शाम में कुछ स्पेशल बनाऊँ। चलिए गाइस, ये देखें, ये मैंने मशीन लगा ली है, कुछ बड़े बड़े जो हमारे कपड़े होते हैं मंथ में धुलते हैं उसके लिए। तो चलें, चले जी, ये देखें, चावल मेरे रेडी हो चुके हैं, बड़े खिले खिले, और मुझे ना ज़ीरे वाले बहुत पसंद हैं दाल के साथ। तो चलें जी, ये तो टर्न हो गए, ज़बरदस्त से लग रहे। चलें जी, आज जो है मैं दाल चावल बना रही हूँ बहुत यम्मी यम्मी से, और शाम में कुछ मैं मटन का बनाऊँगी। लेकिन चलें, चलें जी, ये भगाड़ भी डल गया है, बहुत यम्मी सी मज़े की हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है। ये देखें, ये मैंने मटन ले लिया है, और इसको अब मैं पानी में बॉईल करूँगी। ठीक है, जब अच्छा खासा बॉईल हो जाएगा, थोड़ा और पानी डालूँगी उसके बाद जो। चलें गाइस, ये देखिए, फाइनली सारा पानी जो है ना ड्राई हो चुका है और चिड़पड़ चिड़पड़ कर रहा है। इसमें बस थोड़ा सा ऑयल डालूँगी मैं, थोड़े से मसाले डालूँगी बस, और ये डन हो जाएगी, इसी में हम सर्व करें। चलें जी, ये मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है बस। ठीक है,
और ये काफ़ी ड्राई है, ड्राई खाते हैं इसको, और आप चाहे चपाती तंदूर की रोटी वगैरह के साथ खा लें, कुछ लोग ऐसे ही खा लेते हैं, हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं, बहुत यम्मी बहुत मज़े की लगती है। केचप वगैरह के साथ खा लें, कोई चटनी हो आपके पास ग्रीन चटनी उसके साथ खा लें। और ये देखें जी, इसमें एक चम्मच जो है ना मैं बस धनिया पाउडर डालूँगी और एक चम्मच ज़ीरा। चलें जी, ये एक चम्मच जो है ना मैंने नमक का भी इसमें डाल दिया है, ये एक चम्मच लाल मिर्चों का डाल दिया बस। ठीक है जी, ये डन हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये देखें जी, जूसी जूसी भी लग रही है, तो जिसका दिल चाहे जैसे भी खा ले। और कैमरे पे बहुत हीट आ रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयरिंग कर लें। और चलें जी, हमारा डिनर तो रेडी हो चुका है और मुस्तैन को बहुत ज़्यादा पसंद है, नींबू शिम्बू छड़कें और खाएँ। फाइनली डन हो चुका है और अब मैं इसमें नींबू डाल दूंगी, ऊपर से भी थोड़ी सी डाल दें नींबू। ठीक है, चलें जी, सर्व भी इसी में करेंगे हम, तो बड़ी भूख लग रही है सबको। ये देखिए जी, तो चलें जी, डिनर रेडी हो चुका है।